नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार बिजनौर में SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह द्वारा आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस बल के साथ कोतवाली शहर में लगातार रूट मार्च निकाला जा रहा है। रूट मार्च का उद्देश्य असामाजिक तत्वों में भय का माहौल पैदा करना और आमजन में सुरक्षा का भाव जागृत करना है, जिसके लिए प्रतिदिन सभी थाना क्षेत्रों में थाना अध्यक्षों द्वारा पुलिस बल को साथ लेकर अपने अपने थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। उसी के चलते बिजनौर SP डॉक्टर धनवीर सिंह द्वारा आगामी त्यौहार नवरात्र व माह रमजान को लेकर शहर कोतवाली क्षेत्र में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रूट मार्च किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धनवीर सिंह ने बताया कि आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए रूट मार्च निकाला गया है, जिसके कारण महिला पुरुष छात्राओं और बुजुर्गों में एक अच्छा मैसेज जा सके। साथ ही SP ने यह भी बताया कि रूट मार्च के दौरान पुलिस और व्यापारियों ने मिलकर सड़क से अतिक्रमण को हटवाया और लोगों से अतिक्रमण ना करने की अपील की। आगामी त्योहारों को देखते हुए जनपद के समस्त कस्बों में सभी अधिकारियों द्वारा रूट मार्च किया गया। आज मेरे द्वारा बिजनौर कस्बे में किया गया, यहाँ के अधिकारियों द्वारा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ में इस दौरान अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण न करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया, जिससे छात्राओं में, महिलाओं में, व्यापारियों में, बुजुर्गों में एक अच्छा संदेश शासन प्रशासन के तरफ। और इसी के साथ जुड़ा रहे बंधन समाचार के साथ।